दोस्तों इसका मॉडल आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए इसका मॉडल क्या है, A536। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है टच स्क्रीन का प्रॉब्लम। तो आज हम लोग इसमें चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसका फॉल्ट कहाँ से है और ये कैसे ठीक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका टच का लाइन में क्या जीयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहला काम ये होगा हम लोग का, दादा इस्टर स्क्रीन पर थोड़ा लिखा होना उधर से। तो ये टच का लाइन देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा बोर्नियो में, बोर्नियो में जाना पड़ेगा। और आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कनेक्टर, कनेक्टर पर आया दादा एक बार बोर्नियो देखो, इधर बोर्नियो देखो। ये जो हम लोग का टास्क का लाइन है ना, ये सिर्फ 4 पिन है। ठीक है, 50, 52, 54, 56, 50, 52, 54, 56। ठीक है ना, ये 4 लाइन को हम लोग को चेक करना है, इसका जियर लेना है। तो इसमें एक बार देखते हैं, ये जो ब्लैक रजिस्टर है ना, ये ब्लैक रजिस्टर का ठीक ऊपर में, ऊपर से लेके 1, 2, 3, 4, ये चारों पिनों में जीआर चेक करना है। ठीक है ना, ये ब्लैक रजिस्टर से ऊपर में। तो इसके लिए हम लोग आएंगे अभी कनेक्टर पर, कनेक्टर पर देखते हैं। यहाँ पे है ये ब्लैक रजिस्टर, इसके ऊपर में ठीक ये वाला पिन, ये लो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, ये चारों पिनों में हम लोग को देखना है कितना कितना जीआर आ रहा है। तो ये हो गया, ये लो कलर कहा गया यहाँ पे 0.547, 0.4, 0.4, 0.4। ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ पे जीयर मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कितना जीयर मिलता है, थोड़ा इसे देखो, मीटर भी आना चाहिए स्क्रीन में। ठीक है, मीटर आ रहा है, अच्छा से मीटर भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है ना, ये रखना है ग्राउंड पर जीयर चेक करने के लिए। ठीक है, और ये ब्लैक से हम लोग जीयर चेक करेंगे। एक बार टीवी में देखो, टीवी में इधर देखो, थोड़ा दूर से देखो, ये है ब्लैक रजिस्टर जो था, ये ब्लैक रजिस्टर का ठीक ऊपर वाला जो कनेक्टर है ना इसमें, ठीक है ना, इसमें आपका जीयर आना चाहिए। इधर देखो कितना जीयर आ रहा है, इधर देखो मीटर में देखो कितना जीयर आ रहा है, 641 सही है। उसके दूसरे वाला 459 सही है, उसके तीसरे वाला 445। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीयर नहीं आ रहा है, इधर देखो टीवी में देखो, यहाँ पे देखो ये लाइन पर जीयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये लाइन कौन सा है, यहाँ पे जो एक तो खाली जो रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो इस लाइन पे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर लिया है ये लाइन पे। एक बार हम लोग बोर्नियो में देखेंगे क्या इसमें जीयर क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, देखिए बोर्नियो में, देखिए बोर्नियो में कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ना, इसके ऊपर में ये, ठीक है, ये इसमें कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 0.423। ठीक है, जो बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख 0.423। ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ पे जीयर नहीं मिल रहा है। देखते हैं इसका लाइन कहाँ से आया है ना, अभी ये लाइन देखते हैं कहाँ से आया। ये हो गया 56 का जो लाइन है, ये कैपेसिटर होकर, ये कैपेसिटर होकर ये कितना वोल्ट का लाइन है, यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट का लाइन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1.8 वोल्ट का लाइन। ठीक है ना, TSP SCL। तो ये लाइन को ट्रैक करना है, देखना है ये कहाँ तक गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत जल्दी होगा। इसमें कहाँ गया है दोस्तों, ये इधर उधर कहीं पर भी नहीं है, डायरेक्ट CPU का अंदर से आया है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट CPU का अंदर से आया है 1.8 वोल्ट। कौन सा पॉइंट से आया है, तो ऊपर से 1, 2, 2.5, 1, 2, 2.5, ये ढाई, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पिन, ये 5 नंबर पिन से। ठीक है, 5 नंबर पिन से ठीक, ये जो
ये शायद कैपेसिटर होगा मेरे ख्याल से, ये कैपेसिटर का ठीक सीधा एक को छोड़ के दूसरा वाला, ठीक है ना, ये पिन। तो ये पिन डिस्कनेक्ट है बोल के हम लोग का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पिन है ना, ये पिन मैंने बहुत सारे फ़ोन को बनाया है, अगर आप सीपीयू को रिवॉल्व करते हो तो आपका फ़ोन दो एक दिन चलेगा, उसके बाद सिम ये लाइन जो है ना ये शोर देते हैं। तो आपको करना क्या है, इसका अंदर से एक जम्पर लेना है, इसका अंदर से एक जम्पर लेना है और डायरेक्ट आपको लगाना है कहाँ पे, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये अभी सील मदरबोर्ड है, यहाँ पे देखो ये अभी सील मदरबोर्ड है, अभी इस आईसी के अंदर से हम लोग जम्पर लेते हैं। जम्पर लेना इतना बड़ा काम नहीं है, अगर आपको सीपीयू रिवीलिंग करना आता है तो जम्पर लेना ये सब बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा काम है, ठीक है। अगर सीपीयू रिवीलिंग करना सीखना है तो आप लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपका 7 डे का कोर्स है, आपको डबल टेकर, सिंगल टेकर, पिस्टेड आईसी, नॉन पिस्टेड आईसी, हर एक आईसी को रिवीलिंग करना सिखाएंगे 100% फुल टाइम दे के, ठीक है। ये एक लड़का का मोबाइल है जो इधर मेरा इधर काम कर रहा है, सीपीयू रिवीलिंग सीख रहा है, उसका नाम है, क्या नाम है, चंदन, ये लड़का आया बिहार से, चंदन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो सोल्ट है, इस सोल्ट को रिमूव करना पड़ेगा, ये सोल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप कटर से रिमूव कीजिए, नहीं तो ब्लोअर से रिमूव कीजिए, ठीक है ना। एक बार मैं देखना चाहता हूँ क्या ये पूरा सोल्ट को रिमूव करना पड़ेगा क्या नहीं, ऊपर का जो स्टिकर है इस स्टिकर को रिमूव करके मैं देखना चाहता हूँ। ये क्या है, सीपीयू यहाँ पे है, तो ये पूरा सोल्ट को रिमूव करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा बहुत काटने से इधर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मोबाइल को दूर से पकड़ो बस इतने। आपका पास में अच्छा कटर होना चाहिए अगर आप टीना को काटते हो। टीना कटना इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा काम है, अगर ये सब भी आपको सीखना है तो यहाँ पे आ सकते हो। चलो दोस्तों, हमने कुछ इस तरह से इस टीना को रिमूव किया है, अभी इसका सीपीयू को रिमूव करते हैं। भैया मेरा वो प्लेट लेके आओ ना, पीसीबी सिस्टम। ये है व्हाइट पेस्टेड आईसी, आपको अगर आईसी का काम करना है तो आप लोग मेरा इधर आ सकते हो। 7 डे का कोर्स है, आपका खर्चा पड़ेगा 10,000 रुपया। ये जो पीसीबी है स्टैंड पर लग कर दिया, ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, इसको काट देते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों आप बिना इसको हम क्या बोलता है रिमूव करते हैं। अच्छा, आगे से ना माइक्रोस्कोप का इमेज आएगा, ठीक है। आपको ये मोबाइल का कैमरा बंद करो। दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं सीपीयू रिवीलिंग का प्रोसेस, और सैमसंग का सीपीयू में आपका
व्हाइट पेस्टेड देखने के लिए मिलेगा। आपको ब्लोअर का हीट रखना है 200 और धीरे धीरे कटर से ग्लू कट कर लेना है, ठीक है। ये ध्यान रहे कि आसपास का जो भी कंपोनेंट है ये बाहर ना आ जाए, उस हिसाब से आपको पतला कटर यूज़ करना है, ज़्यादा मोटा वाला कटर यूज़ मत करें, अच्छा होगा, ठीक है। और सीपीयू उठाने के लिए मेरा ब्लोअर का जो हेड है ये 340 चल रहा है अभी, और मेरा जो ब्लोअर है ये क्विक 861DW। ज़्यादा हीट नहीं देंगे क्योंकि आसपास में छोटा छोटा जो भी आईसी लगा रहता है इसमें भी व्हाइट पेस्टेड रहता है, तो ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है ना, ये सब जो छोटा छोटा आईसी लगा रहता है इन आईसी के अंदर का जो बॉल है ये ड्राई हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से मेरा जो सीपीयू है रिमूव हो गया है। और सैमसंग का एक खानदानी बीमारी है जो नॉन कनेक्शन जितने भी सारे पॉइंट रहता है हर एक पॉइंट आपका निकल जाता है, तो ये देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पेस्ट यूज़ किया है UV223, मैकेनिक का पेस्ट है, और आयरन का हीट चल रहा है 320। अभी जब डिसोल्वर वगैरह आप यूज़ करेंगे ना तो आयरन का हीट चलेगा 350, ठीक है। थोड़ा सा जो कंपनी का जो पेस्ट लगा है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं अपना जो पेस्ट है 183 डिग्री, इससे अगर आपके पास में 138 है तो और भी अच्छा है। फिर धीरे धीरे करके डिसोल्डर वगैरह यूज़ करेंगे। अगर किसी को सीपीयू रिवेलिंग सीखना है तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। और ये जो वीडियो है थोड़ा बहुत मैंने कट कर लिया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, मुझे स्टूडेंट को दिखाना था और उनको भी बोलना भी था और समझाना भी था, तो धीरे धीरे करना था इस फ़ोन को रिपेयर, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा बहुत कट सीट किया है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो क्लीन हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो जो भी लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ऊपर का जो पेंटिंग है निकल गया है ना, इसको कवर करना है आपको, कुछ इस तरह से ईवी ग्लू लगा के कवर करना चाहिए आपको, ठीक है ना। नहीं तो आपका आईसी जब बैठाएगा ना तो ये पे जो बॉल है आईसी का जो बॉल होता है ना, ये बॉल एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा बड़ा बॉल बन जाएगा, तो फिर आपका सेट जो है ना ये ऑन नहीं होगा। और इस फ़ोन में अगर आप आईसी रिबल करके कस्टमर को देंगे ना तो आपका कस्टमर 2-3 दिन में रिटर्न आएगा, क्योंकि इसका जो लाइन है टच स्क्रीन का लाइन, ये बोर्ड का बीच में से जो जाते हैं ना उसी लाइन में प्रॉब्लम होता है, ये ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप मदरबोर्ड में थोड़ा सा हीट करते हैं ना तो भी ये काम करता है, एक बार चेक कर लीजिए तो भी ये काम करता है। तो मैंने जितने भी सारे फ़ोन बनाया है हर एक फ़ोन के अंदर से सीपीयू के अंदर से जम्पर करके ही ठीक करके दिया है, और ये दोबारा रिटर्न नहीं आया, ठीक है ना। अभी सीपीयू के ऊपर में जो भी थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्टेड है इसको कुछ इस तरह से रिमूव करते हैं। सीपीयू के ऊपर में जब आयरन यूज़ करते हैं ना, आयरन का हीट आपका 300 से लेके 330 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इस तरह कुछ क्लीन हुआ है, और भी अच्छा क्लीन करना है हमको, तो कुछ कॉटन लेके थिनर लेके कुछ इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो, अच्छा क्लीन होता है यहाँ पे देखो।
ये जो सीपीयू का जो काम होता है ना, मेन चीज़ क्या होता है, आपका मदरबोर्ड अच्छे से क्लीन होना चाहिए और आपका सीपीयू अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत सीपीयू का अंदर में काला काला जितने भी सारे दिखाई दे रहा है, इनको बुरा करना है इस तरह से, ब्लेड से गुरा कर सकते हो, नहीं तो तार ब्रश लगा के भी गुरा कर सकते हो। तार ब्रश लगाने से क्या होता है, तार ब्रश लगाने से आपका सीपीयू में स्क्रैच पड़ जाता है, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक जम्पर करना है, जो लाइन ब्रेक था यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, कितना नंबर पिन, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन पे आपको करना है जम्पर। वहाँ से सीधा जम्पर कहाँ जाएगा, कनेक्टर पर, ठीक है। अगर आपको सीपीयू अच्छे से रिबल करना आता है तो ये सब सीपीयू का अंदर से जम्पर मारना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान काम है। अगर आपको सीपीयू अच्छे से रिबल करना आता है तो ये सब सीपीयू का अंदर से जम्पर करना है ना, ये काम आपका आसान हो जाएगा। अभी ना थोड़ा थोड़ा ईवी ग्लू लगा के ईवी लाइट से इसको फिक्स करना है। और दो तीन जगह लगा के फिर आईसी को बैठाना है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे आपका रहना खाना, रहने के लिए पर डे 200-250 रुपये पड़ेगा आपका, और पर डे खाने के लिए आपका 100-150 में हो जाएगा, ठीक है ना। सीपीयू रिबलिंग का जो कोर्सेज है इसका 10,000, ज़्यादा नहीं है, 10,000 ऑनली, 7 डे का कोर्स है, सिंगल डबल अप सब कुछ करके जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक बात दोस्तों, आप लोग जब आइएगा इधर, आपका पास में जितने भी सारे पुराना फ़ोन होगा, जितने भी सारे बोलने से गलत होगा, 8-10-15 पीस लेके आ सकते हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत कम सीख के उसी फ़ोन को आप लोग रिपेयर करके लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपका 3-4 सीपीयू ऑन हो जाएगा ना, तो आपका जो खर्चा है, सारे खर्चा रिकवर हो जाएगा। जो भी लड़का लोग आ रहा है, ये सब ऐसे ही कुछ ना कुछ फोन लेके आ रहा है, तो आप लोग भी लेके आइएगा, ठीक है। चलो सीपीयू रिबल हो चुका है, अभी सीपीयू ला के देखते हैं क्या ये सेट, जो प्रॉब्लम था टच स्क्रीन का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। सीपीयू को बैठाने का टाइम में आप पेस्ट यूज़ कीजिएगा, अच्छा क्वालिटी का, जो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मेरे पास मैकेनिक का है UV223, आप लोग दूसरा तीसरा यूज़ कर सकते हो, जो अच्छा है उसी को यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी ना सीपीयू बैठाने का टाइम है ना, आपका ब्लोअर 340-330 इस तरह हिट दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि आपने जो पीपीटी यूज़ किया है ये है 183 डिग्री, और ऊपर से फाइनल टच करके देखेंगे हम लोग का सीपीयू जो है ना, ये अपना जगह में अच्छे से बैठा है कि नहीं। चलो सीपीयू तो बैठ गया है, अब चेक करते देखते हैं, जो पहले जिस जगह पे जीआर नहीं आ रहा था, क्या वहीं पे अभी जीआर आया कि नहीं। यहाँ पे देखो जीआर तो आ गया, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपका, आपको जम्पर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सीपीयू को रिवल करते हैं या मदरबोर्ड में थोड़ा सा हीट करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे जीआर मिल जाएगा, लेकिन आपका ये जो फ़ोन है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ठीक है। 2-3 दिन में आपका रिटर्न आएगा, तो इतना सा काम आपको करना है, सीपीयू के अंदर से एक जम्पर लगाना है इस कैपेसिटर पर, ठीक है ना। इस फोन का मॉडल है सैमसंग A53 5G, और इस फोन का ये कॉमन प्रॉब्लम है टच स्क्रीन का। तो चलो दोस्तों, जम्पर लगाना हो चुका है,
अब फटाफट चेक करते देखते हैं टच स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर सीपीयू रिबुलिंग का कोर्सेस लेना है तो फटक से कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। यहाँ पे देखो दोस्तों जम्पर वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, और ये काफ़ी दिनों से फ़ोन ऑफ था तो थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लगेगा, और ये तो टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है तो ऑफ भी नहीं कर पा रहा है, बैटरी डायरेक्ट निकलना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों खुल गया है, वाओ यहाँ पे देखो टच स्क्रीन काम करना स्टार्ट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।